सुमन रोजाना गरम गरम हलवा बनाती और बाजार में ठेले पर बेचने के लिए निकल जाती। उसका हलवा बहुत लोग पसंद करते थे, सबसे ज्यादा बच्चे। सुमन की आवाज सुनकर गली के सारे बच्चे उसके ठेले के पास खड़े हो जाते थे। आओ बच्चों, गरम गरम हलवा खाओ, खाकर मौज उड़ाओ। सुमन चाची, मुझे भी 5 रुपए का हलवा दे देना। सुमन चाची, मुझे भी देना। सुमन ये देख, मेरा लाडला कितना रो रहा है। कब से कह रहा था, दादी सुमन चाची आए तो मुझे हलवा दिलवा। ला 10 रुपए का हलवा कर दे। हाँ काकी, अभी देती हूँ, ये लो। सुमन रोजाना हलवा बेचकर ऐसे ही थोड़े पैसे कमा लेती थी, जिससे उसका घर का गुजारा होता था। सुमन की आदत थी, वो रोजाना जब भी हलवा बेचने के लिए घर से निकलती तो सबसे पहले रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत जरूर मिलती थी। वो सुमन को आवाज लगाती तो सुमन अपना ठेला उसके पास रोक देती। अच्छा हुआ तूने मेरी आवाज सुन ली, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी सुमन बिटिया। अम्मा जी, तुम्हारी आवाज मैं न सुनूं, ऐसा कभी हो सकता है? लाओ मुझे बर्तन दो, मैं उसमें हलवा डाल देती हूँ। सुमन उस बूढ़ी औरत के दिए बर्तन में काफी सारा हलवा डाल देती है। अम्मा जी, और दूं या बहुत है? बहुत है बिटिया, तुम्हारे हाथ का हलवा जब घर में बच्चे खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो, तुम बहुत दयालु हो। देखना एक दिन तुम्हें इस नेकी का फल जरूर मिलेगा। शुक्रिया अम्मा जी, मैं तो बस माँ लक्ष्मी का नाम लेकर ही हलवा बेचने निकलती हूँ। उनकी कृपा से ही मुझे अच्छी कमाई हो जाती है, बाकी आपका आशीर्वाद भी तो मुझे मिलता ही रहता है। बेटी, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है, और माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो भी तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सुमन माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी। वो रोजाना सुबह उठकर धूप आरती करके हलवा बनाती और उनका नाम लेकर हलवा बेचने के लिए जाती। रास्ते में वो बूढ़ी औरत मिलती तो वो उन्हें हलवा देती और उसके बाद हलवा बेचने लगती है। ऐसा ही नियम रोजाना का था। पर एक दिन जब सुमन हलवा बेचने के लिए घर से निकल रही थी तभी, देख सुमन, मैं किराया अब और नहीं छोड़ सकता, तू मुझे कुछ भी करके इस महीने पिछले 3 महीने का किराया पकड़ा दे। पर सेठ जी, 3 महीने के 9,000 रुपए मैं एकदम से कहां से लाऊंगी? आपको पता है मैं हलवा बेचकर थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाती हूँ, जिससे घर का खर्च चलता है और आपके 1 महीने के पैसे दे पाती हूँ। आप तो जानते ही हो, बंटी के पापा का अचानक देहांत हो जाने के बाद पूरे घर की और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर आ गई है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दो, मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगी। देख मैं इतना दयावान नहीं हूँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगले 1 हफ्ते तक अगर तूने मेरा सारा किराया नहीं दिया तो मैं तुझे हलवे का ठेला नहीं लगाने दूंगा। तू कुछ भी करके मुझे पूरे 9,000 पकड़ा, उसके बाद तू आराम से रह, हर महीने 3,000 रुपए देती रहना। मकान मालिक सुमन को घर खाली करने की धमकी दे गया। सुमन बहुत परेशान थी, अब वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मकान मालिक उससे पैसे मांगता फिर घर खाली करने देता। सुमन चिंता में पड़ गई। हे लक्ष्मी माँ, कहाँ से पैसे लाऊं? इतनी जल्दी तो मैं कमाई भी नहीं कर सकती, हलवा तो मुश्किल से 200 रुपए का ही बिकता है, 1 हफ्ते में 9,000 रुपए कैसे जोड़ पाऊंगी? मेरी मदद करो माँ। अगले दिन सुमन हलवा बनाती है और बेचने के लिए जाती है, तभी वो बूढ़ी अम्मा सुमन को आवाज लगाती है। पर आज सुमन का चेहरा उदास था। तभी वो बूढ़ी अम्मा सुमन से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, हमेशा तो तुम हंसती रहती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ है आज? अम्मा जी बस ऐसे ही परेशान हूँ, चिंता है थोड़ी पैसों की, मुझे किराया भरना है वो भी 1 हफ्ते में, यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी एक साथ सारे पैसे कैसे इकट्ठे करूँ। बेटी, तुम मुझे रोजाना मुफ्त में हलवा देती हो पर मेरे से कभी भी पैसे नहीं लेती, तुम चाहो तो ये हलवा मुझे देना बंद कर दो, तुम इस हलवे को बेचकर और पैसे कमा सकती हो। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा सोचना भी मत, मुझे आपको हलवा देना अच्छा लगता है, आप मेरी माँ समान हो, और माँ से बेटी कभी पैसे नहीं लेती, सिर्फ आशीर्वाद लेती है, आप बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 1 हफ्ते में हलवे से अच्छी कमाई कर सकूं, ताकि मेरे पैसे जुड़ जाएं और मैं किराया दे दूं। बेटी, आज तक तुमने मेरे से सिर्फ आशीर्वाद ही मांगा है और मैंने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, इसे अपने ठेले पर रख लेना
और इसकी पूजा आरती करना। देखना, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। अम्मा जी, आपने ये लक्ष्मी माता की मूर्ति देकर सचमुच मेरे अंदर एक अलग सी हिम्मत ला दी है। आपके साथ साथ मुझे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल गया। बूढ़ी अम्मा से लक्ष्मी माता की मूर्ति लेकर सुमन अपने ठेले पर सजा लेती है और हलवा बेचने से पहले वो लक्ष्मी माता की पूजा आरती करती है। उस दिन सुमन की बहुत कमाई होती है। इतनी कमाई आज तक सुमन की कभी नहीं हुई थी जितनी आज हुई। वो माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। अब तो वो बूढ़ी अम्मा से मिलती तो उनसे सारी खुशी की बात कहती। 4-5 दिनों में ही सुमन की बहुत अच्छी बिक्री हो गई। किराए से अलग भी उसके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, इतने कि वो एक दुकान किराए पर ले सकती थी। मकान मालिक भी पैसे लेकर चुपचाप वापस चला गया। ये खुशी की बात बताने के लिए अगले दिन जब सुमन हलवा बेचने निकली तो वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। उसने आसपास के दुकान वालों से इस बारे में पूछा। भैया, वो यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी ना, जिनको मैं हलवा देकर जाती थी, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठती थी। नहीं बहन, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? वहाँ पेड़ के नीचे तो मैंने कभी किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा जी कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी, आप कहाँ हो? आप ऐसे कहाँ चले गए? किसी को आपके बारे में कुछ नहीं पता। सुमन उदास हो जाती है। उसी रात माँ लक्ष्मी सुमन को सपने में दर्शन देती है। सुमन, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। वास्तव में मैं बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने हमेशा उन बूढ़ी औरत के रूप में मुझे ही तो हलवा खिलाया था। मैं तो तुम्हारे दुख दूर करने आई थी। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। बेटी, हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुमन सपने से जाग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमन अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है। अब सुमन की जिंदगी में खुशियां थी। वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती थी। धीरे धीरे सुमन ने एक मिठाई की दुकान खोल ली, जहाँ पर वो हलवे के साथ साथ और भी बढ़िया मिठाई रखने लगी। सुमन ने लक्ष्मी माँ की उस मूर्ति को दुकान में ही एक मंदिर में सजा दिया। दुकान पर जो कोई भी गरीब और जरूरतमंद मदद के लिए आता तो सुमन निस्वार्थ भावना से उनकी मदद करती, जिससे सभी गरीब और जरूरतमंद उसको दुआएं देकर जाते, जिससे सुमन की दुकान पर कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं हुई। लेकिन महेश, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? मैं ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचूं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आप बस ग्राहकों से हिसाब किताब लेते रहना, बाकी सब मैं कर लूंगी। ममता के पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके इलाज के लिए ममता को काफी पैसे चाहिए थे। अपनी घर गृहस्थी चलाने और पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो एक पुराना ठेला और जरूरत का सामान खरीदती है और ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। आइए आइए, ताज़ा ताज़ा ब्रेड पकौड़े खाइए, खुद भी खाइए और अपने घर भी ले जाइए, साथ में शानदार धनिया पुदीने की हरी चटनी भी खाइए। बहन जी, मेरे लिए एक ब्रेड पकौड़ा बनाना तो। हाँ हाँ भाई साहब, ये लीजिए। कुछ ही दिनों में ममता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए। अब उसके सामान का खर्चा निकल जाता था, साथ ही कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिससे उसका घर खर्च चल जाता था। लेकिन वो इतने अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी कि वो कुछ बचत कर सके और अपने पति का सही से इलाज करवा सके। ऐसे कुछ दिन बीते। एक रोज ममता चटनी बनाने के लिए खेत में से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़ने जाती है, लेकिन उस दिन धनिया खेत में ज्यादा था नहीं। तभी उसकी नजर उसके साथ उग रहे कुछ हरे पत्तों पर जाती है। अरे, आज तो धनिया बहुत कम है, ऐसा करती हूँ इस धनिया और पुदीने के साथ इन पत्तों को ही पीस देती हूँ। कुछ देर बाद वो ठेले पर आती है। ममता कहाँ रह गई थी? जल्दी से चटनी बना दो, ग्राहक आते ही होंगे। ममता जल्दी जल्दी चटनी सिलबट्टे पर पीस कर तैयार कर लेती है। लेकिन उस दिन उस चटनी का स्वाद कुछ अलग ही था, जिसे खाकर सभी ग्राहक खुश हो गए। वाह भाभी, क्या चटनी बनाई है! ऐसी चटनी के साथ तो मैं 4 ब्रेड पकौड़े और खा जाऊं। मेरे लिए और बना दो। हाँ, मुझे भी और देना, ऐसी स्वादिष्ट चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस दिन के बाद से ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी खूब कमाई होने लगी।
लोग उस चटनी के साथ साथ चार चार ब्रेड पकौड़े एक साथ खा जाते। एक रोज जब वो पत्ते तोड़ कर लाई तो उसके पति ने उसके हाथ में वो पत्ते देख लिए। ममता, ये तुम कौन से पत्ते लाई हो? तुम भला इसका क्या करोगी? आज इन्हीं की वजह से तो हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। जब से ये पत्ते मैंने चटनी में डालने शुरू किए हैं, तभी से हमारी काम में बरकत हुई है, और इसलिए जो ग्राहक एक बार मेरे पास आता है वो रोज यहाँ जरूर आता है। तुम जानती भी हो ये भांग के पत्ते हैं, और शायद उन सबको इसके नशे की लत लग गई है, इसलिए वो रोज तुम्हारे ठेले पर आते हैं। क्या, भांग के पत्ते? हे भगवान, लेकिन इनकी वजह से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। अगर मैंने ये पत्ते डालना बंद कर दिए तो ग्राहक भी आने कम हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जी, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो? किसी को कुछ नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो आज क्या होगा? बस आप भी अपना मुंह बंद रखिए। एक रोज एक लड़का विनीत उसके ठेले पर आया और ममता से कहने लगा, भाभी कल दूसरे शहर से मेरे कुछ दोस्त यहाँ आ रहे हैं। मैंने उनसे आपके ब्रेड पकौड़े और स्वादिष्ट चटनी की खूब तारीफ की है। आप कल 8 लोगों के लिए 3-3 के हिसाब से ब्रेड पकौड़े और चटनी बना देना, ठीक है? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अगले दिन विनीत अपने दोस्तों के साथ ममता के ठेले पर आता है। उन सभी दोस्तों में 3 लोगों ने चटनी बहुत ज्यादा खाई, और वो सब खाते खाते उन ब्रेड पकौड़ों की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वो तीनों खाते खाते जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। भाभी, ये क्या मिला है इन ब्रेड पकौड़ों में? मेरे ये दोस्त बेहोश क्यों हो गए? मुझे कुछ नहीं पता। विनीत अपने दोस्तों को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए, इनके शरीर में कोई नशीला पदार्थ जरूरत से ज्यादा चला गया है, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो गए। विनीत पुलिस को बुलाता, उससे पहले ही ममता पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। साहब, मैं जानती थी कि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझे पकड़ने जरूर आएंगे, इसलिए मैं खुद ही सरेंडर करने आ गई। मैंने बस मजबूरी में वो सब किया था। मैं तो बहुत कम मात्रा में भांग के पत्ते उसमें मिलाती थी, लेकिन उन तीनों ने चटनी जरूरत से ज्यादा ही खा ली, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। दरअसल मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी थी, लेकिन शेयर मार्केट में हुए भारी लॉस के कारण हम बर्बाद हो गए और हम सड़क पर आ गए। तब से हम यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे, और घर खर्च चलाने के लिए मैंने ब्रेड पकौड़े का काम शुरू कर दिया। साहब, मैंने लालच में आकर वो चटनी बनाई। हालांकि मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अगर आप चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं खुद जज साहब से आपको कम से कम सजा देने की दरखास्त करूंगा। ममता को केवल 3 महीने की जेल और 1,000 के जुर्माने की सजा होती है। जेल से छूटने के बाद एक एनजीओ वाले आकर ममता की मदद करते हैं, जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देते हैं। ममता उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। साथ ही वो अपने ब्रेड पकौड़े के काम को बड़ी ही ईमानदारी से चलाती है, और उसमें किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करती। ग्राहकों की भीड़ अब फिर से उसके ठेले पर लगनी शुरू हो जाती है, और उसका काम अच्छा चलने